अस्सलाम वालेकुम जी। ये मेरे किरायेदार है, ऑटो ड्राइवर है बेचारे, साजिद नाम है, शास्त्रीपुरम में मकान है। इनको जो है मसला, एक इत्तेफाक ये हुआ कि एक शराबी औरत इनकी गाड़ी में बैठी मेहदीपट्टनम चौरस्ते पे, छोड़ो बोली आसिफ नगर PS कने, इन्होंने छोड़ दिया उसको। छोड़ने के बाद में 20 दिन गुजर गए, वहाँ से गुजर रहे थे तो क्राइम वाले पकड़ लिए इनको। पकड़ के PS को लेके आए, लेके आके वो औरत जो तू छोड़ा था उसकी चैन गुम गई, बोल रहे गले की। इन्होंने बोले जहाँ से उन्हें बैठी वहाँ कैमरा देखो, आप चैन नहीं थी, उन्हें शराबी थी, उसकी कंप्लेन कहाँ है, उसको बुलाओ। बोले तो हमको सिखाता तू, बोल के नंगे करके मारे बेचारे को, पूरे निशाना हर जगह निशान, कोई जगह नहीं, पीछे हाथा बंद करके मारे। ये फ्रेंडली पुलिस है, ये रो आपसे बोलते ना फ्रेंडली पुलिस, ये पुलिस, ये इंक्वायरी हो रही, जहाँ से औरत बैठी वहाँ से कैमरा क्या उन्हें देखे, उन लगा अपनी मनमानी करते, क्राइम के जमाना, एक निहत्ते आदमी को कमरा बंद करके मारते। ये बेचारे को कुछ इल्म ही नहीं है, कहाँ जाना, क्या करना, क्या नहीं करना। अब इन्हें ऑटो पे जिंदगी है, 8 दिन से फिरा रहे हैं उसको, ना FIR है, ना वो औरत की कंप्लेन है, ना औरत वहां पे आई, और कोई चीज नहीं है, इसको 8 दिन से फिरा रहे हैं। और बोलते कि इसको जो है ना तेरा कंप्रोमाइज कराते, वो कराते, ये औरत से क्या बोले तुमको, मेरे को 2 लाख रुपए, 4 लाख रुपए का सोना है, 2 लाख रुपए में कंप्रोमाइज कराते अभी बोले। अभी कौन बोले आपको ये? ये किराम का जवान बोला मेरे। तो ये रोज का ऑटो कमा के, कि ऑटो का किराया देख के घर की जिंदगी चलाने वाला आदमी 2 लाख रुपए देगा इनको। अब वो नहीं दे सका तो अब ऑटो ने छोड़ लें, 8 दिन से रोजे में शास्त्रीपुरम से उन्हें आसिफ नगर PS फिर रहा उन्हें। एक दिन SI नहीं है, एक दिन सर्कल नहीं है, एक दिन जवान नहीं है। अब आदमी आंख से आंसू निकल गए इसके, होम क्या मिनिस्टर, होम मिनिस्टर साहब तुम बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, पुलिस वाले ऐसे है वैसे है, क्या है ये, क्या है तुम्हारी पुलिस, कितना जुल्म हो रहा। ये कितने दिन पहले का वाकया है साहब? अरे भाई, ये मार्च की 10 तारीख को औरत को छोड़ दिया इन्होंने, 20 दिन गुजर गए, इन पकड़े ने इनको, एक 31 मार्च की आके मारे इसको, मार के रात भर मारे, बेहोश होता मारने के बाद में नाह क्या मारे, इंक्वायरी भी नहीं करे, जाके कैमरे देखना औरत कहाँ से बैठी, शराबी औरत बोल रही, सही बोल रही, गलत बोल रही, कुछ कंप्लेन का तो बताया कुछ भी नहीं बताया। लगा औरत को इन्हें बुलाओ बोले तो हमारे को शिकारा बोल के मार रही, और 8 दिन से ऑटो रख लिया उसका, 8 दिन हो रहा, क्या कमाएंगा क्या खाएंगा, फिर रोजे में आसिफ नगर PS फिर रहा शास्त्रीपुरम से। कई की पुलिस भाई है मनमानी करने वाली। तो आप लोग जो है ना इतने दिन के बाद मीडिया में आने का मकसद क्या है? हद हो गई, आज छोड़ते कल छोड़ते भाई, अभी इश्यू हो गया, ऑटो दे दिया तो गरीब आदमी चला लेता बोल के हम ये सोच रहे हैं, अब हद पार हो गई, 8 दिन डेली फिर रहा होने, आंख से आंसू निकल रहे आदमी के, रमजान में जुल्म की हद हो गई ना भाई ये पुलिस की। शुक्रिया। मेरा नाम साजिद है साहब, मैं शास्तीपुरम में रहता हूँ, जोर से शास्तीपुरम में रहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साजिद नवाब है, मैं किराए का ऑटो है साहब मेरा, मैं ऑटो चलाता हूँ। तो एक्चुअली क्या हुआ साहब, बोलो तो एग्जीबिशन से सवारी छोड़ा वहाँ पे मेहदीपट्टनम पे, छोड़ के मैं पलट रहा था, एक औरत मिल गई मेरे को PVT, मिलते कि मेरे को क्या करे साहब, बिठा लिया औरत को, आसिफ नगर जाना है बोलो तो बिठा लिया, बिठा लेके छोड़ दिया उसको आसिफ नगर पे, आसिफ नगर पे छोड़ा, छोड़ते कि उसके बाद क्या करे बोलो तो साहब, आसिफ नगर पे छोड़ा, छोड़ते कि फिर उन्हें गिर गए तो नीचे, नीचे गिरी तो पलट के आया साहब, पलट के आके उठाने जा रहा था, उतने में उन्हें उठ के चले गए तो मैं पलटा के चले गया साहब। फिर उसके बाद मेरे को ये 11 तारीख का केस है साहब, फिर उसके बाद 20 दिन के बाद मेरे को क्राइम वाले पकड़े, यहाँ तक जाना है बोल के ले लेके गए अंदर, ये तू छे क्या रहे बोल के फोटो हम बताए मेरे को खम्भों में के, हाओ बोल के, हाओ मैं छूँ साहब बोल के बोला। फिर उसके बाद अंदर चल रहे बोल के ले लेके गए मेरे को, 7 बजे ले लेके जाके 11:30 बजे तक मेरे को मारे, 3rd degree दिए साहब, और हाथ में पीछे रस्सी बंधी है, पैरों में रस्सी बंद, मेरे को बहुत मारे साहब, इतना मारे आखिरी मारे, चलना नहीं आ रहा मेरे को, इतना मारे आखिरी मारे, तेरा नाम क्या है रे बोल के इतना मारे मेरे को। फिर मेरे को केसा वैसा है क्या रे तेरे बोल के चेक करे, चेक करके उसके बाद मेरे को नहीं है केस, नहीं है साहब, देखो बोले तो देख लिया केस उस। फिर उसके बाद मेरे को बोले क्या है वो औरत को बुलाओ साहब, बोले तो ठीक है मैं सुबह में बुला रहा हूँ औरत को बोल के बोले। सुबह में गया फिर 11 बजे सेठ आके मेरे को श्योरिटी दे के लेके गया, फिर उसके बाद 11 बजे औरत को बुला रहा हूँ आना रे तू, 11 बजे 11 बजे आया तो औरत को नहीं बुलाया, कुछ भी नहीं बुलाया। फिर एक पुलिस वाला बोलता 4 लाख रुपए का सोना है, तू आके 2 लाख रुपए दे दे के ख़त्म कर बोल के मेरे को बोले, इतना हमारे पीछे सामने पूरा मार मार के वो कर दिया साहब, चलना नहीं आ रहा मेरे को। आसिफ नगर PS के अंदर कौन मारे आप? ऐसे ही साहब भी थे आसिफ नगर,
नाम नहीं मालूम साहब, ऐसे ही था ग्राम का, और चार जवाना थे आसिफ नगर के, अंदर रूम बंद कर दिए लॉक करके रूम में। अब बाहर आवाज़ नहीं गई सर का, मारे पैरों बेहोश हो गया मैं आखिरी में। फिर उसके बाद नीचे लेके जाके मेरे पूरे लंगा कर दिए, कपड़े उतारे मेरे उतार के, फिर कपड़े उतार के फिर उसके बाद अंदर ही पिलाए मेरे को, कपड़े चेक करे मेरे को पूरा चेक करके। उसके बाद एक जना आ रहा, उन्हें आ रहा, नाम क्या आ रहे तेरा बोल के पूछ पूछ के हमारे, हम मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कैसा करूँ क्या करूँ साहब। आप किस एरिया में रहते हैं? मैं शास्त्रीपुरम में रहता हूँ साहब। वहाँ पर जाके अपने कोई शिकायत किया है पीएस के अंदर? मैं ये बोला साहब, मेरा आटू